सो हेलो गैस, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका शेख भाई, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। गैस बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक तगड़ा कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताऊंगा बैटल रॉयल रैंक मोड के लिए, लेकिन थोड़ा बिजी था इसीलिए वीडियो ला नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो मैं खुद इस बार यूज किया हूं और मेरे पूरे स्क्वाड के सभी बंदे भी यही कॉम्बिनेशन को यूज करके इजिली हीरोइक चले गए हैं। सो मेरे भाई लोग, ये जो कॉम्बिनेशन आपको मैं बताऊंगा इसको आप सोलो, डुओ एंड स्क्वाड तीनों में यूज कर सकते हो और ये कॉम्बिनेशन रसर के लिए बेस्ट एंड सर्वाइवर के लिए भी अच्छा है। तो नंबर वन सर्वाइव कॉम्बिनेशन, इसमें जो प्राइमरी कैरेक्टर मींस जो एक्टिव स्किल कैरेक्टर को यूज किया हूं वो है के कैरेक्टर जो 250 ईपी देता है। जैसे ही आप उसका एक्टिव स्किल को क्लिक करोगे जो 250 ईपी है 250 एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस 1 सेकंड में 5 ईपी 5 एचपी में कन्वर्ट होगा। अगर आपको सर्वाइव करना है देन के कैरेक्टर सबसे बेस्ट है, इजीली आप फर्स्ट जोन एंड सेकंड जोन के बाहर सर्वाइव कर सकते हो। आपको मेडिकेट का भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, के आपको अनलिमिटेड एचपी प्रोवाइड करेगा। एक्टिव स्किल तो हो गया गाइस, सर्वाइव के लिए के कैरेक्टर सबसे बेस्ट है। देन जो तीन पैसिव कैरेक्टर को यूज किया हूं सर्वाइव के लिए, नंबर वन केली कैरेक्टर जो 6% फास्ट प्रिंट करती है, मींस प्रिंटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगा 6%। और अगर आपका इलाइट के लिए अनलॉक है देन 4 सेकंड प्रिंट करने के बाद अगर आप फर्स्ट शॉट एनिमी को कनेक्ट करते हो देन एनिमी को 106% का एक्स्ट्रा डैमेज गिरेगा। केली को इसलिए यूज किया हूं क्योंकि जोन में आने के लिए केली बहुत ज्यादा मदद करेगी एंड स्नाइपर प्लेयर के लिए भी गाइस केली बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड अगर आप शॉर्ट रेंज फाइट कर रहे हो देन केली अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकती है, एनिमी को चकमा दे सकती है गाइस, जिसकी वजह से आप इजीली एनिमी को वाइप आउट कर सकते हो, इजीली एनिमी को मार सकते हो गाइस। देन सेकंड पैसिव कैरेक्टर है मैक्सिम जो 30% फास्ट हीलिंग करता है, मींस फास्ट हीलिंग करने में बहुत ज्यादा मदद करता है एंड मशरूम भी 30% फास्ट खाता है। अभी आपका दिमाग में एक सवाल रहेगा कि शेख भाई अभी आपने बोला था कि के कैरेक्टर अनलिमिटेड एचपी प्रोवाइड करता है, उसको मेडिकेट का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है, तो फिर क्यों आप अभी मैक्सिम कैटर को यूज कर रहे हो? तो मेरे भाई वीडियो को अच्छे से देखो और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो। आधा देखोगे तो आपको आधा ही समझ में आएगा, जैसे आधा पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता, नौकरी आधा करने से छोकरी नहीं मिलता, ठीक वैसे ही है गाइस। तो बात यह है कि मैं मैक्सिम कैरेक्टर को क्यों यूज किया हूँ, तो सुनो, मैं मैक्सिम कैरेक्टर को इसलिए यूज किया हूँ जैसे ही आप थर्ड जोन में एंट्री करोगे जोन के अंदर, तो वैसे ही गाइस बहुत सारा शॉर्ट रेंज फाइट या फिर लॉन्ग रेंज फाइट भी होता है जिसमें आपका हेल्थ बहुत ज्यादा भी कम हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप सर्वाइव कर रहे हो तो बिल्कुल भी फाइट नहीं करोगे, वैसे में आपका रैंक इंक्रीज ही नहीं होगा, मीन्स रैंक बढ़ेगा ही नहीं गाइस। तो आपको सर्वाइव कर रहे हो तो फाइट भी करना पड़ेगा और शॉर्ट रेंज फाइट के लिए मैक्सिम कैरेक्टर सबसे बेस्ट है क्योंकि अगर आपको ज्यादा डैमेज गिरता है तो आप तुरंत ही गाइस मैक्सिम कैरेक्टर के मदद से 30% फास्ट हीलिंग कर सकते हो। आप एक मेडिकेट यूज करने के बाद आपको 75 एचपी मिल जाएगा और आपको के कैरेक्टर भी एचपी देता रहेगा, जिसके वजह से आपका एचपी जो है वो बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। और अगर आपको अर्जेंट एचपी चाहिए देन मैक्सिम कैरेक्टर सबसे बेस्ट है जो 2.8 सेकंड में 75 एचपी देता है, मींस एक मेडिकेट को तुरंत ही यूज करता है, 2.8 सेकंड के अंदर यूज करेगा और आपको 75 एचपी मिल जाएगा। एंड लास्ट एक सरप्राइज कैरेक्टर है, वो है मीसा कैरेक्टर जिसका एबिलिटी है 20% फास्ट ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज करती है एंड जब आप ड्राइविंग करते रहोगे तब एनिमी आपको मार नहीं पाएगा, एनिमी का डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा, एक भी बुलेट आपको नहीं लगेगा। इन केस आपको गोली लगता भी है देन मीसा कैरेक्टर 30% डैमेज डिक्रीज करेगी। ये सब एबिलिटी तभी वर्क करेगा जब आप व्हीकल में रहोगे, मींस ड्राइविंग करते रहोगे तब। मीसा कैरेक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं गाइस जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, तो इसी खुशी में जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में जो बेल आइकन उसे क्लिक करके ऑल पर सेट कर लो गाइस। तो ये था सर्वाइव कॉम्बिनेशन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन जल्दी से लाइक कर दो गाइस। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 11,000 लाइक, ओके। अगर आप रस करके रैंक पुश करना चाहते हो देन आपको इसी कॉम्बिनेशन में दो कैरेक्टर को चेंज करना है, नंबर वन के को रिप्लेस करके उकोंग या फिर स्काइलर को यूज करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा उकोंग कैरेक्टर को यूज करो, इसका एबिलिटी बहुत ज्यादा ओपी है, 15 सेकंड तक बूस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, प्लस उसके साथ साथ एनिमी को नॉक करने से कूल डाउन टाइमिंग जो है वो रीसेट हो जाता है और जब आप बूस्ट बन जाओगे तब एनिमी का डिफॉल्ट एम भी वर्क नहीं करेगा, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है उकोंग कैरेक्टर का। एंड नंबर टू केली कैरेक्टर को रिफ्रेस करके हायाटो कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, हायाटो जो 10% आर्मर पेनिट्रेशन करता है, मींस 10% एक्स्ट्रा डैमेज देगा। एंड अगर
आपका इलाइट हैटो अनलॉक है देन 3.5% फ्रंटल डैमेज को रिड्यूस करता है। ये दो कैटर को रिप्लेस करना है रसर कॉम्बिनेशन में, के को रिप्लेस करके यूकोंग या फिर आप स्काइलर कैटर को यूज कर सकते हो एंड केली कैटर को रिप्लेस करके हयातो कैटर को यूज कर सकते हो। एंड जो दो कैरेक्टर है मैक्सिम एंड मीसा कैरेक्टर, इन दोनों को आपको कंपलसरी यूज करना है सर्वाइव एंड रस में। ओके, एक और बार मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि मीसा कैरेक्टर का जो एबिलिटी है वो सभी व्हीकल में वर्क करेगा। अगर आप बाइक भी चलाते हो देन एनिमी आपको मार नहीं पाएगा क्योंकि एनिमी का डिफॉल्ट एम बाइक के ऊपर भी लॉक नहीं होगा, जिसकी वजह से वो आपको डैमेज नहीं दे पाएगा। इनकेस अगर डैमेज भी देता है देन बहुत कम डैमेज देगा, 30% रिड्यूस हो जाएगा डैमेज। ओके, तो ये था दो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बैटल रॉयल रैंक मोड के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। सो आज के लिए इतने ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।